हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो है मैं शूट कर रही हूँ, ये मेरे चैनल के ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड रोमाइलो खटाक के चैनल के ऊपर जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और ड्यूटी में, तो बाहर कहीं जा नहीं पाते, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा वीडियो अब मैं शूट करते उनको दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि दोस्त अगर कोई हमारे काम आता है तो हम भी अगर उनके कुछ काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है और बहुत खुशी की बात होती है। और अगर वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लिए कुछ कर पाए तो बहुत ही मतलब गर्व की बात होती है। तो फ्रेंड, ये देखिए मेरे फ्लावर हैं, तो फेस तो मैं नहीं दिखा सकती उनके चैनल के ऊपर, लेकिन बैक कैमरे से ही आपको वीडियो जो शूट करके दूंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके चैनल के ऊपर उनको और वीडियो दूं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मैं जानती हूँ कि उनके बहुत ही अच्छे अच्छे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और मुझे भी जानते हैं और मेरी आवाज़ से पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये सनफ्लावर है, और ये सनफ्लावर जो है ना, इसको मतलब हम लोग इंडोर रखें, आउटडोर रखें, कहीं भी रखें, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और ये समर सीजन में ही होता है। मेरे पास ये कम से कम 2-3 महीने से ये फ्लावर दे रहा है। तो देखिए कितने ही सुंदर फ्लावर हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग इनकी होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो कम से कम मेरे पास ये 2-3 महीने से फ्लावर दे रहे हैं, तो मैंने अपने गार्डन में इनको कम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मतलब सेव करके रखा हुआ है। मेरे पास कम से कम ये 6 से 7 पॉट में हैं और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये फ्लावर, क्योंकि ये देखिए इसका कुछ कलर जो है ना लाइट है और कुछ डार्क है। तो इस तरह की किस्म में ये मेरे पास ये प्लांट है, तो प्लांट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ आपको न्यू अपडेट देने के लिए आज इस चैनल के ऊपर आई हूँ कि मैंने मीशो से ना कुछ परचेस करा था। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि मैंने मीशो से क्या परचेज़ करा था और क्या उसमें लगाया है। वो मीशो से क्या परचेज़ करा था वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, लेकिन उसको मैं पब्लिक नहीं कर पाई हूँ, तो किसी वजह से मैंने उसको अभी तक अनपब्लिक ही रखा हुआ है। तो करूँगी कभी, तो मैं बताती हूँ कि मैंने मीशो से क्या परचेज़ करा था अपनी गार्डनिंग के लिए। तो हम लोग जो गार्डनिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ भी अच्छा दिखे तो वो अपने गार्डन के लिए परचेज़ जो है कर लेते हैं। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि मैंने क्या परचेज़ करा था। और उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे ये गेंदे का फ्लावर है, गेंदे के फ्लावर की ढेर सारी मैंने यहाँ पे जो सीड्स है ना वो सीड्स मैंने उगाए थे, और कम से कम मेरे पास गेंदे के फूल के 500 से ऊपर जो प्लांट्स हैं ना हो चुके हैं। तो सोच रही हूँ कि मतलब इनको कहीं शिफ्ट करूँगी पॉट में। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास पॉट की कमी है, तो पॉट की कमी होने के कारण ये सारी जो जिसको बोलते हैं ना, ये देखिए सीड्स जो मैंने तैयार करी है सारी की सारी उग गई हैं। तो ये देखिए ये मेरा फेवरेट वाला प्लांट है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए आपको बताती हूँ कि मैंने मीशो से क्या परचेज़ करा है। तो फ्रेंड, मैंने मीशो से ये वाले पॉट जो है परचेज़ करे थे, ये हैंगिंग है एक तरफ से, हैंगिंग या मग जिसको बोलते हैं, और ये जो होते हैं ना आजकल के सीज़न में जो फ्लावरिंग होती है, जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं फ्लावर, उन्हीं के लिए मैंने ये परचेज़ करे हैं। मेरे पास ये मतलब कि 400 रुपये में 6 या 7 पड़े थे, लेकिन मेरा एक टूट गया है। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से यूज़ करा हुआ है और इस तरह से मैंने इनको हैंग करा है। ये देखिए हैंगिंग की तरह ही मैंने अपनी ये ग्रिल के ऊपर लगा दिया है और इस तरह से मैंने इनको हैंगिंग करा है। और ये कितने अच्छे अच्छे फ्लावरिंग आए हैं अभी इसमें, कम से कम 6 महीने तक जो भी ये समर का सीज़न रहेगा ना, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है और बहुत सारी अच्छी लगती है। मेरे पास ये कम से कम 4 वैरायटी में हैं। ये वाला है वाइट है, एक डबल शेड में है, तो वो खिला था कल, आज नहीं खिला है, यहाँ पर था ये डबल शेड में, ये देखिए, तो आज नहीं खिला है, अभी तक नहीं खिला है। तो ये देखिए ये ज़्यादा ढेर सारे फूल जो आए हुए हैं, तो ये मैंने परचेज़ करे थे। और इसके ऊपर इसके बाद ये दूसरा है, ये दूसरा है, दूसरे को भी मैंने इसी तरह से रखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने ये देखिए ये शो है, इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है, फ्लावर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से मतलब मैंने इनको हैंग किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए
कितना अच्छा है। और अलग अलग कलर में मुझे ये मिले थे तो मैंने अलग अलग कलर में इसको परचेज़ करा है, तो कुछ इस तरह से। तो एक ये है, इसमें मैंने वाइट वाला लगाया हुआ है, ये वाइट कलर का है, ये इसमें वाइट कलर के फूल जो है आएंगे। तो देखिए कितना ही खूबसूरत है, इसकी सुंदरता अलग ही है। तो लेने हो गेंदेरी पनीरी। तो ये देखिए मेरा जेट प्लांट है, और एक ये है, एक टूट गया है फ्रेंड। तो मेरे पास ये 6 से 7 आए थे 400 रुपये में। तो ये देखिए ये डबल शेड में है, ये डबल शेड में आएगा, लेकिन अभी तक इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट नहीं हुई है, हो जाएगी अभी 1-2 दिन में। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो आप बताइएगा मुझे। तनिया है ये बहुत ज़्यादा, कीड़े हैं।